सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारी प्रेस वार्ता में। और आज इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हम लोग कराने जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता। तमाम राज्यों से आप नित्य समाचार देखते हैं और आज इसी श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग, आप सब लोग परिचित हैं आदरणीय श्री प्रनीत कौर जी से, जो कि सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से पटियाला से। और आप सबको ध्यान में ही होगा कि आप विदेश राज्य मंत्री रही हैं, 4 बार सांसद हैं, पटियाला से विधायक भी रही हैं, आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ बहुत सारे हमारे पार्टी के नेता भी मंचासीन हैं। मैं एक एक करके आपका परिचय करा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे पार्टी के महासचिव अरुण सिंह जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं। आदरणीय तरुण चुग जी हम लोगों के मध्य हैं। विजय रूपानी जी जो पंजाब के प्रभारी हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, वह हमारे मध्य में हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले मंचासीन अपने नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि आदरणीय प्रनीत कौर जी को भारतीय जनता पार्टी की पर्ची दें और उनका पार्टी में विधिवत स्वागत करें। बुके भी ले आइए, बुके ले आइए, स्वागत है पंजाब की भारतीय जनता पार्टी। मेरा आदरणीय विनोद तावड़े जी से आग्रह है कि शब्दों के माध्यम से आदरणीय प्रनीत कौर जी का स्वागत करें। नमस्कार। श्रीमती प्रनीत कौर जी आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है उन्होंने। मैं मानता हूं कि प्रनीत कौर जी जैसे सांसद जनप्रतिनिधि जिन्होंने बिल्कुल कई कमिटियों पर काम करते हुए अपनी पोटेंशियल्स सिद्ध किए हैं, फिर वो महिला सक्षमीकरण का हो या इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का एशियन पैसिफिक रीजन के विषय में हो, विदेश राज्य मंत्री के नाते भी उन्होंने काम किया है। और मैं मानता हूँ कि ऐसे व्यक्तिमत्व जब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और विशेषकर पंजाब में, कि जहाँ एक तरफ राज्य में जो सरकार चुनी है उसके विरोध में पब्लिक की मानसिकता बन रही है, और उसी समय भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के नाते पंजाब के सामान्य व्यक्ति के मन में उभरती हुई आ रही, और प्रनीत कौर जी जैसे नेता का पार्टी में जुड़ना, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में मजबूत करने में और पंजाब के विकास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कल्पना में जो पंजाब का विकास हम सबको अपेक्षित है वो करने में और मजबूती आएगी। और पंजाब की पूरी टीम के साथ काम करते हुए मैं ये मानता हूँ कि और मजबूत पंजाब भी होगा और भारतीय जनता पार्टी भी होगी। हम उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद आदरणीय तावड़े जी। मेरा आग्रह है आदरणीय प्रनीत कौर जी से कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। नमस्कार। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हूँ। खुशी है मुझे क्योंकि पिछले 25 सालों से मैं लोकतंत्र में, लोकसभा में और विधानसभा में मैंने काम किया है।
अपने क्षेत्र के लिए, पंजाब के लिए, देश के लिए। और आज वो समा आ गया है जिसमें सबको एकत्र होके जो सबसे बढ़िया हमारे देश को, देश में, विदेशों में ऊंचा कर सके, तरक्की हो सके, जिन जो हमारे बच्चों का जो कल है उसको बेहतर बना सके, वो देखकर मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के मुखी हैं अपनी सारी टीम के साथ, और हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं पिछले लगभग 10 सालों के लिए, उनके कामों को देखकर, उनकी नीतियों को देखकर, जैसे अभी विकसित भारत चल रहा था प्रोग्राम, क्या क्या गरीब से गरीब और इंडस्ट्री तक उन्होंने जो नीतियाँ बनाई हैं और हमें हमारे जो आगे लेके गए हैं हमारे देश को, मुझे पूरा विश्वास है कि वो ही है एक शख्स जिनकी नेतृत्व में और भारतीय पार्टी जनता पार्टी की नेतृत्व में हम अपने बच्चों और अपने देश को सुरक्षित रख सकें और उनको आगे ले जा सकें। सो इस करके मैं भी इनके साथ जुड़कर एक हिस्सा बन के भारतीय जनता पार्टी की काम करना चाह रही हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा जी का, सारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम का, भारतीय जनता पार्टी की परिवार का, कि मुझे आज इनके साथ एक हिस्सा बनकर काम करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।